Hello guys, welcome back to my YouTube channel and you guys are watching Arvind Singh. Hope you like this video. Din ki starting hamari fir se aaj car mein hi hui hai. Aap logo ko lagega jab dekho ye ghoomte hi rehte hain. But as such nahi hai. Hame kabhi kabhi kaam ke chakkar mein jana padta hai. In fact, abhi hum Noida ja rahe hain rent ki collection ke liye. Jaise hi wo rent le lete hain, uske baad hame jana hai murga mandi, jiski baat hum aksar apne vlogs mein karte rehte hain because hamara chicken ghar pe khatam ho chuka hai. और सबसे कन्वीनियंट जगह है जो बंदे गाज़ियाबाद में रहते हैं वहाँ से लेने की, बिकॉज़ वहाँ पे प्राइस बहुत डिफरेंस है. अगर आप कोई नॉर्मल शॉप से अगर आप चिकन परचेज करते हैं तो वो आपको 280, 290, ऑलमोस्ट 300 का भी पड़ सकता है. बट वहाँ से अगर आप लेते हैं तो एक तो आपके सामने को चिकन को कट करेंगे और उनका प्राइस में ऑलमोस्ट 100 से 120 रुपीज़ का डिफरेंस आता ही आता है. डिनर में मोस्टली हम लोग चिकन सूप ही प्रेफर करते हैं बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है. एज़ मैंने आपको बताया हुआ है कि डैड को डायबिटीज़ है तो डॉक्टर ने भी उनको यही सजेस्ट करा हुआ है कि रात को लाइट खाएं. सजेस्ट डैड को किया था तो स्टार्ट हमने भी कर दिया क्योंकि टेस्ट भी बहुत होता है. रात के डिनर की ड्यूटी डैड की है, रेसिपी उनकी है, तो उनका मन हो तो वो बना देते हैं, नहीं तो कभी कभी मॉम भी बना देती हैं. अभी हम मुर्गा मंडी जा रहे हैं. जनरली मैं वहाँ जाना प्रेफर नहीं करता बिकॉज वहाँ की स्मेल बहुत ज़्यादा गंदी है और मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता. बट मैंने सोचा इतनी बार व्लॉग्स में आपको उस जगह का जिक्र कर दिया है, क्यों ना उस जगह के दर्शन भी कराए जाए, तो व्लॉग के चक्कर में मैं जाना पड़ रहा है. अगर आप गाज़ियाबाद में रहते हैं तो आप समझ सकते हैं क्या रीज़न होगा मेरा वहाँ ना जाने का. बदबू, ये मेरी फोटो ले रहा है, मैं फोटो. जितने भी अनप्रोडक्टिव काम होते हैं हम जनरली कोशिश करते हैं कि वो सैटरडे तक ख़त्म हो जाए बिकॉज एक दिन की छुट्टी तो सब डिजर्व करते हैं. सो हम नोएडा तो पहुंच चुके हैं, जल्दी से रेंट कलेक्ट करते हैं उसके बाद चलते हैं मुर्गा मंडी क्योंकि वहां से चिकन लेना है. रेंट कलेक्ट हमने कर लिया है और जैसा मैं अक्सर बोला करता हूं, एक जान हजार काम, तो डैड ने ये काम भी मेरे मत्थे डाला हुआ है. ये मौसम ने अलग लेवल का परेशान कर दिया है. जैकेट पहनो तो गर्मी, ना पहनो तो सर्दी, अजीब से कन्फ्यूजन क्रिएट करके रख दिया है. चलो चलते हैं नेक्स्ट टास्क पर, मुर्गा मंडी. पता नहीं ये पहाड़ियों को गुड़ खाने की क्या फैंटेसी है. पर्सनली मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे तो बहुत ओवररेटेड चीज़ लगती है. अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा. चिकन लेने निकले थे बट चिकन छोड़ के बाकी सब कुछ ले लिया. सामने आपको पहाड़ दिख रहा है, ये कूड़े का पहाड़ है, मुर्गा मंडी इसके आगे है. ऑलमोस्ट ये 1 किलोमीटर दूर है बट इसकी स्मेल अभी से आना स्टार्ट हो गई है. लगता है व्लॉग बनाने के चक्कर में गलत टास्क हाथ में ले लिया है. चीले ही चीले इस खंभे पे ऑलमोस्ट 500 चीले तो बैठी ही बैठी है. ये है मटन मार्केट. बदबू किस लेवल की है शायद आप मेरी शक्ल से समझ पाए, बहुत ही ज्यादा. अरे बेटा, 3 मुर्गे सिलेक्ट कर लिए हैं और उनको हलाल करने का ऑर्डर भी दे दिया है. भाई का गल्ला देख रहे हो कितना ज्यादा है, पैसा ही पैसा है. थोड़ी देर पहले ये मुर्गा जिंदा थे, कट गए हैं. कर दे अंदर जो पीस का रेट है. अबे अल्लाह तो खाना खिला. अभी आपने जो वीडियो क्लिप देखी वो मेन मुर्गा मंडी की है. अगर आपको वहाँ से मुर्गा लेना है तो आपको एटलीस्ट 1 प्लेट तो लेनी पड़ेगी जो ऑलमोस्ट 40 से 50 केजीज बैठता है. वहाँ के प्राइस में और यहाँ के प्राइस में बहुत डिफरेंस है. वहाँ पे अगर आपको मेन मुर्गा मंडी से लेना है तो आपको ऑलमोस्ट 100 से लेके 110 तक के बीच में मिल जाएगा. ये प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, ऐसा जितना कोई फिक्स नहीं होता. हमें जो रेट पड़ा है वो पड़ा है 160 रुपीज़ पर केजी में. और अगर आप नॉर्मली कोई शॉप से लेते हैं तो उनका रेट बैठता है अराउंड 270 और 290. बट अभी अगर ऐसे विंटर स्टार्ट हो गए हैं तो हो सकता है ये प्राइस और भी बढ़ जाए.
बट यहाँ पे प्राइस ऑलमोस्ट इतना ही रहता है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं होता। मेरे डैड को इस सेम पर्सन से चिकन लेते हुए ऑलमोस्ट 6-7 ईयर्स हो चुके हैं। अगर मैं चाहता तो मैं उन्हें ऑलरेडी कॉल करके बता सकता था कि हम चिकन लेने आ रहे हैं, तो वो प्रॉपर सही तरीके से साफ तरीके से हमें चिकन दिखा देते, बट मुझे आपको ग्राउंड रियलिटी दिखानी थी। अगर मैं चाहता तो कर सकता था, बट मैंने आपको बिल्कुल एक करेक्ट पिक्चर दिखाई है कि बिल्कुल ऐसा ही होता है मुर्गा मंडी में। भैया थोड़ा अनकम्फर्टेबल भी फील कर रहे थे, वो मुझे बोल रहे थे कि अगर तुम बता देते तो मैं अपने कपड़े सही से पहन के आता, बट रियलिटी दिखानी थी तो उनको बता भी नहीं सकते थे पहले। से बात कर रहे हैं? यस बैंक के भी आपसे बात कर रहे हैं। अभी कभी तो लगता है नकुल भैया की शॉप मेरा सेकंड होम बन चुका है, बिकॉज हर वीक में 4-5 times बाद मेरा चक्कर तो यहाँ लगेगा ही लगेगा। देखना ये पड़ोस वाली आंटी ने मुझे कैसी वीडियो भेजी है। चलो गाइस करते हैं आज का व्लॉग एंड। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।